भाई द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने आज जिमी यूसो के ऊपर लिटरली अटैक ही कर दिया था। एंड देन भाई रोमन रेंस बहुत ही शॉकिंग चीज अनाउंसमेंट कर चुके हैं स्मैकडाउन में। एंड देन भाई आज द ब्लड लाइन के बीच हमें बहुत कुछ देखने को मिल गया है। तो भाई इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिए क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियो जाती रहती है। तो भाई आज के मिडिल टाइम जो था स्मैकडाउन का हमें देखने को मिला द ब्लड लाइन का सेगमेंट। एंड देन भाई ये सेगमेंट वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट था और भाई हमेशा की तरह द ब्लड लाइन का ये भी सेगमेंट एक बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट था। तो भाई हमें सबसे पहले तो रोमन रेंस आज रिटर्न कर रहे थे अपना रेसलमेनिया के बाद, तो भाई द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की ग्रैंडेस्ट एंट्री होती है। एंड देन भाई द ब्लड लाइन भी उनके साथ थी और भाई पूरी द ब्लड लाइन आज हमें एक साथ देखने को मिलती है और ये स्मैकडाउन नॉक्सविल में हो रहा था। तो भाई द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस नॉक्सविल को कहते हैं एक्नॉलेज कीजिए। एंड देन भाई रोमन रेंस को गजब का पॉप मिल रहा था यहाँ के नॉक्सविल के ऑडियंस से। एंड देन भाई रोमन के चैंट्स वगैरह भी लग रहे थे क्योंकि भाई रोमन रेंस बहुत दिनों बाद आए थे। उसके बाद से भाई सीधे रोमन रेंस पॉइंट पे आते हैं। एंड देन भाई रोमन रेंस बोलते हैं कि रसलमेनिया में हम और हमारी द ब्लड लाइन जो है वो दोनों मेन इवेंट किए थे। एंड देन भाई एक मेन इवेंट में मैं जीता था लेकिन एक मेन इवेंट में क्या हुआ था, वो हमारे फैमिली का नाम डूबा था एक मेन इवेंट में क्योंकि द उसोज अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन नहीं कर पाए थे और वो केविन ओवेंस एंड सैमी जेन से हार गए थे। भाई सोलो सिकोवा के बारे में रोमन रेंस बात करते हैं। सोलो सिकोवा को कहते हैं वो शार्क है लेकिन वो डूबने वाली शार्क नहीं है। सोलो सिकोवा वो शार्क है जो कि पानी में से निकलने को जानता है और सोलो सिकोवा ने ही अपना बैकलैश में दिखाया जो उन्हें करना चाहिए था। और हमारे द ब्लड लाइन में दो प्रॉब्लम्स हैं और वो सोलो सिकोवा के ब्रदर्स हैं। देन भाई फिर रोमन रेंस जिमी यूसो को बोलते हैं ये सब चीज़ें, तो भाई जिमी यूसो हंसते हैं और भाई रोमन रेंस को आ जाता है गुस्सा। रोमन रेंस बोलते हैं क्या मैं तुम्हें मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जोकर हूँ। उसके बाद से भाई जिमी यूसो हंसते हैं तो भाई रोमन रेंस अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और भाई जिमी यूसो को लिटरली रोमन रेंस ने जिस तरह से पकड़ा है ना भाई उनका गला, मतलब बहुत ही गजब तरीके का लग रहा था। फिर भाई बीच में जिमी उसो जाते हैं रोमन रेंस के ऊपर अटैक करना लेकिन भाई बीच में आ जाते हैं आपके जे उसो और जे उसो बोलते हैं कि मैं अप्लाइज करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम लोग गलती कर दी हैं मतलब। तो रोमन रेंस बोलते हैं कि एक चांस तो अब तुम्हें देना ही चाहिए और मेरे पास एक प्लान है। भाई रोमन रेंस ने लिटरली जैसे लगता है कि द उसोज को चांस देंगे क्योंकि भाई जे उसो चांस मांगते हैं उन्हें चैंपियनशिप मैच के लिए जो कि केविन ओवेंस एंड सैमी जेन के लिए चाहिए था। और रोमन रेंस ये भी बोलते हैं कि तुम लोग मुझे मैच डेडिकेट कर किए थे लेकिन उस मैच को तुम लोग हार जाते हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग हमारी फैमिली का जो नेम है वो पूरी तरह डुबो रहे हो। भाई रोमन रेंस बोलते हैं कि मैं तुम्हें चांस देता हूं लेकिन वो चांस भाई द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उन जिमी एंड जे उसो को ना देकर के ये बोलते हैं कि सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस फेस करने वाले हैं सैमी जेन एंड केविन ओवेंस को एट नाइट ऑफ चैंपियंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद से भाई लिटरली जे एंड जिमी उसो का चेहरे का पूरी तरह से रंग उड़ गया और भाई ये मैच भी फाइनली कंफर्म हो चुका है नाइट ऑफ चैंपियंस में आपको देखने को मिलेगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस सोलो सिकोवा वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी जेन का। भाई कमेंट करके बताना ये बेहतरीन मैच होने वाला है या नहीं। तो भाई सेगमेंट की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। तो भाई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं।